नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन भी किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित भी है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी परेशान हैं। जी हां, रायबरेली और वायनाड में से किसी एक सीट को चुनने को लेकर राहुल गांधी धर्म संकट में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस सीट को चुने। हालांकि बीते दिन वायनाड की रैली में उन्होंने इशारों ही इशारों में अपने मन की बात कह दी थी और माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, तो वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। क्या राहुल गांधी की दुविधा खत्म हो गई, जिसका जिक्र उन्होंने खुद वायनाड में किया था। आम जनता को धन्यवाद करने पहुंचे राहुल ने वायनाड में कहा था वो इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि किस सीट से सांसद बन रहे हैं। बता दें, इस बार राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ साथ यूपी की रायबरेली सीट से भी चुने गए हैं। ऐसे में रायबरेली और वायनाड में से किसी एक सीट को चुनने को लेकर राहुल गांधी धर्म संकट में हैं। जब वे संकट में थे तब वायनाड के लोगों ने उनका साथ दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में वे अमेठी से हार गए थे। इस हार ने राहुल गांधी का मनोबल तोड़ दिया था, लेकिन वायनाड से मिली जीत ने उन्हें एक बार फिर से हौसला दिया। वहीं वायनाड की रैली में ही उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी मन की भी बात कह दी थी। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया, मैं आप लोगों के प्रेम को जिंदगी भर याद रखूंगा। राहुल गांधी के इस बयान से वायनाड को गुड बाय कहने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे रायबरेली से ही सांसद बने रहना चाहते। कहा जा रहा है कि उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसा ही चाहती हैं, जो यहां से कई बार सांसद रहीं। उन्होंने तो रायबरेली के लोगों से भी कहा था कि अब राहुल आपके हवाले हैं और रायबरेली शुरू से ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे। उनका इस्तीफा देने के बाद इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा और खबरें हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखा जाए तो अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं तो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं, तो उनके चुनाव जीतने पर रायबरेली के साथ साथ वायनाड का प्रतिनिधित्व गांधी नेहरू परिवार के पास ही रहेगा, क्योंकि केरल में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस बार यूपी में भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में ये तर्क दिया जा रहा है कि परिवार के 3 सदस्यों का संसद में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी को परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद ये सोच बदलने लगी है, इसलिए संसद में सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार के 5 सदस्य भी लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी अब तक चुनाव लड़ने से बचती रही हैं। इस बार वो वायनाड सीट से वो चुनाव लड़ती हैं कि नहीं और जीत उनके हाथ आती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।